नमस्कार, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी खुदी। मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। वह बिल्कुल अकेली थी। माँ बाप दोनों न मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। पर वह इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह करती थी कि जैसे उसने सपना देखा हो। सपना था या सच्ची घटना, इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता, तेरे माँ बाप कहाँ गए, तो वह बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती, ऊपर। कभी आसमान की तरफ देखकर कहती, वहाँ। इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या मतलब था, यह किसी को मालूम न होता। शायद मुन्नी को भी यह खुद भी मालूम न था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज़्यादा उसकी बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी, जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कुछ फिक्र न रहती। जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसके खाने को 2 कौर और सोने को 1 टाट के टुकड़े की कमी न थी। वह सबकी थी, उसका कोई न था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता, ज़रा जाकर तालाब से कपड़े तो धोला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता, बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रखकर घड़े लेकर कुएं की तरफ चल देती। जरा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी घड़े वहीं रखकर साग लेने चली जाती। पानी के इंतज़ार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती। कुएं पर जाकर देखती है तो घड़े रखे हुए हैं। वह मुन्नी को गालियां देती हुई कहती, आज से इस कलमुही को कुछ खाने को न दूंगी। कपड़े के इंतज़ार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और गुस्से में तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वहीं पड़े हुए मिलते। तब वह भी उसे गालियां देकर कहती, आज से इसको कुछ खाने को न दूंगी। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को न मिलता और तब उसे बचपन याद आता, जब वह कुछ काम न करती थी और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वह सोचती, किसका काम करूं, किसका न करूं, जिसे जवाब दूं वही नाराज हो जाएगा, मेरा अपना कौन है, मैं तो सबकी हूं। उस गरीब को यह न मालूम था कि जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। वह दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की खुशी या ना खुशी की परवाह न थी। दुर्भाग्य में भी बचपन का वह समय चैन का था। कुछ दिन और बीते, मुन्नी जवान हो गई। अब तक वह औरतों की थी, अब मर्दों की हो गई। वह सारे गांव की प्रेमिका थी, पर कोई उसका प्रेमी न था। सब उससे कहते थे, मैं तुम पर मरता हूँ, तुम्हारे वियोग में तारे गिनता हूँ, तुम मेरे दिलो जान की मुराद हो। पर उसका सच्चा प्रेमी कौन है, इसकी उसे खबर न होती थी। कोई उससे यह न कहता था कि तू मेरे दुख दर्द की शरीक हो जा। सब उससे अपने दिल का घर आबाद करना चाहते थे। सब उसकी निगाह पर एक मद्दिम सी मुस्कुराहट पर कुर्बान होना चाहते थे, पर कोई उसकी बाह पकड़ने वाला, उसकी लाज रखने वाला न था। वह सबकी थी। उसकी मोहब्बत के दरवाजे सब पर खुले हुए थे, पर कोई उस पर अपना ताला न डालता था, जिससे मालूम होता कि यह उसका घर है और किसी का नहीं।
वह भोली भाली लड़की जो एक दिन न जाने कहाँ से भटक कर आ गई थी, अब गांव की रानी थी। जब वह अपने उन्नत वक्षों को उभार कर रूप गर्व से गर्दन उठाए नजाकत से लचकती हुई चलती तो मन चले नौजवान दिल थाम कर रह जाते, उसके पैरों तले आंखें बिछाते। कौन था जो उसके इशारे पर अपनी जान न निसार कर देता? वह अनाथ लड़की जिसे कभी गुड़िया खेलने को न मिली, अब दिलों से खेलती थी। किसी को मारती थी, किसी को जिलाती थी, किसी को ठुकराती थी, किसी को थपकियां देती थी, किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे कत्ल और खून का सा मज़ा मिलता था। अब पासा पलट गया था। पहले वह सबकी थी, कोई ही उसका न था। अब सब उसके थे, वह किसी की न थी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी वह कहीं ना मिलती थी। किसी में वह हिम्मत न थी जो उससे कहता, आज से तू मेरी है। उस पर दिल न्योछावर करने वाले बहुतेरे थे, सच्चा साथी एक भी न था। असल में उन सर फिरों को वह बहुत नीची निगाह से देखती थी, कोई उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। ऐसे पस्त हिम्मतों को वह खिलौनों से ज़्यादा महत्व न देना चाहती थी, जिनका मारना और जिलाना एक मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों के थाल और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता मुंह नोच लूं। उसे वह चीज़ें कालकूट हलाहल जैसी लगती, उनकी जगह वह रूखी रोटियां चाहती थी। सच्चे प्रेम में डूबी हुई, गहनों और अशर्फियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते, उनके बदले वह सच्ची दिल के भीतर से निकली हुई बातें चाहती थी जिनमें प्रेम की गंध और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने को महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक से एक व्यंजन, पर उसे इन चीज़ों की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस के झोंपड़े, मोटे झोटे सूखे खाने की। उसे प्राण घातक सिद्धियों से प्राण पोषक निषेध कहीं ज़्यादा प्रिय थे, खुली हवा के मुकाबले में बंद पिंजरा कहीं ज़्यादा चहेता। एक दिन एक परदेसी गांव में आ निकला, बहुत ही कमज़ोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा निकली, मुसाफिर को देखकर बोली, कहाँ जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया, जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, बदनसीबों की तकदीर में और क्या है, रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा है। पहली दो मंजिल तो तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और बाकी है। कोई दिन वह पूरी हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। यह एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे। जरूर उसके पहलू में दिल है, वरना यह दर्द कहाँ से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी, बोली, कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव से उत्तर दिया, मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता? दौलत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था वफा दिल के बदले मिलती है, अब मालूम हुआ और चीज़ों की तरह वह भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ मेरी नज़रों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला, उसका नाक नक्शा भी उसे आकर्षक जान पड़ा। बोली, नहीं, यह बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। यह कहकर मुन्नी चली गई। उसके हृदय के भाव उसके संयम से बाहर हो रहे थे। मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था, क्या सचमुच यहाँ वफा मिलेगी? क्या यहाँ भी तकदीर धोखा न देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे दिन भी न गया।
तीसरे दिन उसने एक फूस का झोंपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा, यह झोंपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफा की उम्मीद है। चले तो न जाओगे? झोंपड़ा तो रहेगा, खाली घर में भूत रहते हैं। अपने प्यारे का भूत ही प्यारा होता है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोंपड़े में रहने लगी। लोगों को देखकर ताज्जुब होता था, मुन्नी उस झोंपड़े में नहीं रह सकती, वह उस भोले मुसाफिर को जरूर दगा देगी, यह आम ख्याल था। लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी, वह न कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी थी, न इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह चिंता हुई कि कहीं यहाँ भी वही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफा कहाँ? उसे याद आया, पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी, ऐसी ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। उसे याद आया, पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी, ऐसी ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोंपड़ी रह गई। तीसरे रोज वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोंपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह जरूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा, कोई खत भी न आया। लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी वह जरूर आएगा। साल बीत गया, पेड़ों में नई नई कोंपले निकली, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आई, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया और मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह जरा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोंपड़े में पड़ रहती। लेकिन वह झोंपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सिरफिरों के निगाह के पांव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वह सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक रसिक ने छेड़खानी की, मुन्नी क्यों अपने सुकुमार शरीर के साथ यह अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना न्योछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत का भरोसा है, क्यों इतना इतराती हो? अब वह लौट कर ना आएगा। मुन्नी ने अपने झोंपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वह गया कहाँ जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसी तरह एक दिन एक और प्रेमी जन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोंपड़े में क्यों पड़ी हो? मुन्नी ने अभिमान से कहा, इस झोंपड़े पर 1,00,000 महल न्योछावर हैं,
यहाँ मैंने वह चीज़ पाई है जो और कहीं न मिली थी और न मिल सकती है। यह झोंपड़ा नहीं है, मेरे प्यारे का दिल है। इस झोंपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसके खरीदारों में कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा हैं, मगर जिस दिन से वह एक की हो गई उसी दिन से उसके चेहरे पर दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही वासना की आँखें अंधी हो जाती, खुदी जब जाग जाती है तो दिल की कमज़ोरियाँ उसके पास आते डरती हैं। धन्यवाद। खाके परवाना से ली गई मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।